हाय एवरीवन, स्पेशली 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो अभी रिसेंटली 10th क्लास पास करके 11th क्लास में आए हैं, उनके लिए सब कुछ न्यू होगा, सब कुछ अलग सा लगेगा, फ्रेश, क्योंकि 11th क्लास थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे हम 9th में आते हैं सब कुछ अलग लगता है, वैसे ही 11th में जब आते हैं 10th से तो आपको सब कुछ नया लगता है, फ्रेश मिलता है। सो ऐसे ही मैथमेटिक्स में होने वाला है। मैथमेटिक्स जो है, अब तक जो आपने 10th क्लास तक पढ़ी है वो उससे आपको टोटली डिफरेंट मैथमेटिक्स मिलेगी। अब क्योंकि प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप, और आपको थोड़ा अलग सा लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा कि क्या हो रहा है, पर जैसे 10 दिन गुजरेंगे आप यूज्ड टू हो जाएंगे, और आपको उसके बाद मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और आप अगर ध्यान देंगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी 11th की मैथ्स। और उसके बाद यही जो है क्लास होती है 11th क्लास, अगर आपने इसमें ध्यान दे दिया तो 12th क्लास आपकी ईजिली निकल जाएगी, क्योंकि ये बेस बनाती हैं। सो आपको 11th की मैथमेटिक्स पे तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपको बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करना है, 12th में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो 11th की बेस जो 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है वो बेस की तरह काम करती है 12th के लिए। सो एक बार आप 11th पे फोकसली पढ़े, ध्यान से पढ़े, तो 12th ईजिली निकाल लेंगे। ऐसा मत करिएगा कि जैसे ज़्यादातर बच्चे 11th को हल्के में ले लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं, ऐसा प्लीज़ मत करना। 11th में भी ध्यान देना ज़रूरी है, ये बेस बनाता है। सो अच्छे से करना, आपको नया लगेगा, अलग लगेगा, पर बाद में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो डरने की बात नहीं है, बिल्कुल चिल और रिलैक्स होके अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। सो हम आज 11th की मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो आई एम अंजलि हेयर, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगी। सो 11th की मैथमेटिक्स के लिए पहले हम पूरा सिलेबस एनालिसिस कर लेते हैं, क्या क्या है हमारे सिलेबस में वो जान लेते हैं, फिर हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक जो आप 10th क्लास तक पेपर देते आ रहे हैं उसका पैटर्न बिल्कुल ही डिफरेंट था, अब जो है पैटर्न बिल्कुल अलग आ जाएगा। सो आपको ये जानना चाहिए कि क्या पैटर्न रहेगा, और मैं आपको डिफ़िकल्टी लेवल भी बताऊँगी कि कैसा डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो 11th की मैथमेटिक्स में टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जो कि 6 यूनिट्स में इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट जो यूनिट है हमारी वो सेट्स एंड फंक्शंस। सो ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको लगेगा कि क्या है स्टार्टिंग में, पर जो फर्स्ट वाला चैप्टर है वो सेट्स है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को ईजी लगता है, इंटरेस्टिंगली कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें इंक्लूडेड है वो है चैप्टर 2, रिलेशन एंड फंक्शन। ये थोड़ा सा चैप्टर है जिसमें बच्चे थोड़ा सा अटकते हैं, पर एक बार जब समझ लेंगे आप तो आपको बहुत इजी लगेगा, ये भी इंटरेस्टिंगली जैसे आप सेट्स करेंगे वैसे हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है जो इसमें इंक्लूडेड है, टोटल 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और थर्ड चैप्टर हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ये आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो वही आगे बढ़ेगी, तो 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत ईजी है, बच्चे कर लेते हैं। सो ये 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, टोटल ये यूनिट 26 मार्क्स की आएगी, तो अच्छे खासे मार्क्स हैं, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थ्योरेटिकल है और इंटरेस्टिंग भी है, समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये, तो इस पर ध्यान देना क्योंकि अच्छी खासी वेटेज कैरी कर रहा है। देन हमारा है एलजेब्रा यूनिट, इसमें आ रहा है चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 6 चैप्टर्स हैं, और इसकी वेटेज 30 है, सबसे ज़्यादा वेटेज है इसकी। सो एलजेब्रा यूनिट का आपको खास ध्यान रखना है, इसमें ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसका बहुत यूज़ होता है, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जो जेईई मेंस वगैरह ये सब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इस चैप्टर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और बायनोमियल, इसमें बायनोमियल थ्योरम्स वगैरह, सीक्वेंस सीरीज़ आता है, परम्यूटेशंस आता है, लीनियर इनक्वालिटीज़, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता है, चैप्टर 4 PMI है जो थोड़ा थियोरेटिकल है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, 5th कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप पहली बार सुनेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, आयोटा वगैरह, ये सब आप सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है एलजेब्रा, 11th की एलजेब्रा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो इस पर ध्यान देना, बहुत अच्छी लगेगी, ये 30 मार्क्स का है और इसकी वेटेज भी बहुत अच्छी है, सो ध्यान देना। नेक्स्ट है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें चैप्टर 10, 11 एंड 12 है, और ये टोटल 10 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलस, 11th के कैलकुलस में चैप्टर 13 है, इसमें एक ही चैप्टर है, और ये बहुत फंडामेंटल और बेसिक बनाता है 11th की कैलकुलस, क्योंकि
अभी तो आपको एक ही चैप्टर मिलेगा, ट्वेल्थ में जब आप जाएंगे तो आपको 5 चैप्टर्स मिलेंगे, और जो ट्वेल्थ की कैलकुलस है वो बहुत वास्ट है, उसमें आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत वाइड है, वास्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सो जो इलेवेंथ की कैलकुलस है वो बेस की तरह काम करता है, इसमें आप फंडामेंटल जानेंगे कि कैलकुलस में क्या क्या होता है। ये टोटल 5 मार्क्स कैरी करता है। सो इसमें जनरल आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा कैलकुलस होता क्या है, लिमिट सीखेंगी। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर 14 है, इसमें 2 मार्क्स का ही आता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी वो है 6th यूनिट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स है और प्रोबेबिलिटी चैप्टर 16 है, ये टोटल 10 मार्क्स की है। सो ये टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के लगेंगे, तो टोटली जो आपके फाइनल मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे। 80 मार्क्स का पेपर आएगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट, तो टोटल 100 मार्क्स का। नेक्स्ट है CBSE एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जो आपका 11th का मैथ्स का पार्ट है उसमें 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए जो है वो 1 मार्क्स का आता है, सेक्शन बी 2 मार्क्स का आता है, सेक्शन सी 4 मार्क्स का आता है एंड सेक्शन डी 6 मार्क्स का आता है। सो सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक, और इसमें जो 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो MCQ टाइप के होते हैं, 11 से लेकर जो 15 तक क्वेश्चन होते हैं वो फिलअप होते हैं, जिसमें आपको फिलअप करना होता है सिंपल, MCQ में आपको टिक करना होता है, कुछ नहीं करना, बस टिक करना और आंसर लिखना है। 10 से 11 जो 5 क्वेश्चन हैं वो फिलअप टाइप आएंगे, और जो 16 से 20 होंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 1 लाइन से 2 लाइन में आंसर देना है। सो ये सेक्शन ए है जिसमें 1 से 20 तक क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का है, तो टोटल 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है, तो 20 मार्क्स का हमारा सेक्शन ए वाला पोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, ये सेक्शन टोटल 12 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी, इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 32 तक जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सो इसमें 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल 24 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है सेक्शन सी। देन हमारा आता है सेक्शन डी, सेक्शन डी में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जो कि 4 क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 36 तक आते हैं हमारे सेक्शन डी में, ये 6 मार्क्स से 4 क्वेश्चन है, तो टोटल 24 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है, तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो 36 रहेंगे, 36 क्वेश्चंस आएंगे, और ये आपका पैटर्न रहेगा। टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा, और 80+20 जैसे मैंने आपको बताया था, चैप्टर वाइज जो यूनिट वाइज मैंने मार्क्स बताए थे, और ये हमारा पेपर वाइज सेक्शन वाइज जो मार्क्स हैं, तो ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के जैसे मैंने आपको बताया था, और टोटल 100 मार्क्स। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा पैटर्न और सिलेबस। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो डिफ़िकल्टी लेवल, ये मैं किसी भी जनरल पेपर की बात करती हूँ, जनरल जो CBSE पेपर होता है उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा। हमेशा इजी जो क्वेश्चंस आते हैं वो 15% क्वेश्चंस इजी होते हैं, जो कोई भी बच्चा कर लेगा, एवरेज बच्चा या बिलो बच्चा इजीली कर लेता है, कोई भी सबके लिए, ताकि सब अटेम्प्ट कर सके, ये 15 क्वेश्चंस वो डालते हैं। देन मीडियम लेवल क्वेश्चंस वो होते हैं जो एवरेज बच्चे इजीली कर ले, सारे एवरेज बच्चे अटेम्प्ट कर सके। सी ये दोनों को पार्ट, तो जो ये दोनों 15% और 70% इतना पार्ट तो हर कोई इजीली कर लेता है, एवरेज बच्चे हर कोई इजीली जो अच्छे से पूरे साल पढ़े इतना इजीली स्कोर कर लेते हैं। डिफ़िकल्टी आती है हार्ड लेवल क्वेश्चन में जो कि 15% आता है, इसी के लिए आपको हार्डवर्क करना होता है। जो लोग सोचते हैं कि 90+ लेके आना है, तो उनको इसके लिए थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करना होता है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स। सो आपको शुरुआत से ही प्रैक्टिस का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रैक्टिस है, जिसका ध्यान नहीं रखेंगे तो मैथ्स पीछे छूट जाएगी, क्योंकि अगर एवरेज बच्चे भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो ईजिली 90+ स्कोर कर लेते हैं मैथ्स में। सो प्रैक्टिस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ्स बहुत ईजी होती है, इट इज़ प्रैक्टिस दैट मेक्स
देम परफेक्ट. ये कोड तो आपने सुना होगा और ये बहुत अच्छे से अप्लाइड होता है मैथमेटिक्स में. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मैथ्स में बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस. सो आपको स्टार्टिंग से ही 11th में मैथ्स पे प्रैक्टिस का बहुत ध्यान रखना है ताकि आप 12th में भी अच्छे से स्कोर कर सकें, क्योंकि बेस तो बनाता ही बनाता है और 11th में भी आपकी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं, 90+ ईजिली स्कोर हो सकते हैं. सो मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ ही, आपको प्रैक्टिस का ध्यान रखना है. सो डरने की बात नहीं है, 11th ईजी है, बस आपको फोकस रखना है और प्रैक्टिस करनी है. सो ऑल द बेस्ट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू.